खबर बेतिया से है, जहां के लौरिया थाना क्षेत्र के गोबरोरा पंचायत के बंगाली कॉलोनी से सटे सिकरहरा नदी के किनारे अज्ञात शव पुलिस से बरामद किया है। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। इस संबंध में थाना अध्यक्ष कैलाश कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि गोबरा पंचायत के बंगाली कॉलोनी के सटे सिकरहना नदी के किनारे बालू में दबा हुआ एक शव को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उसके तुरंत बाद अंचलाधिकारी शशि रंजन कुमार को दूरभाष से वार्ता कर घटनास्थल पर बुलाया गया। वहीं CO सह मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में शव को बालू से खोदकर बाहर निकाला गया। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टता अन्यंत्र जगह दर्धार हथियार से मारकर महिला के चेहरे को विनष्ट कर दिया गया है तथा साक्ष्य को मिटाने के लिए शव को नदी किनारे बालू में दफन कर दिया था। वहीं शव को निकालकर अत्यंत परीक्षण के लिए जला भेज दिया गया। पुलिस हर पहलू पर सूक्ष्मता से जांच कर रही है, जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट।